नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही लोकप्रिय न्यूज चैनल में। जैसा कि आपको पता है, दो दिन पहले युवक युवती के अवैध संबंध के चलते दो मासूमों के साथ जघन्य हत्याकांड हुआ था, जिसके चलते आज जैसलमेर के बाबामगा क्षेत्र में 36 कौम द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वहाँ मौजूद लोगों ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने हत्या की है उनके परिवार को यहाँ बाबामगा में रहने का कोई अधिकार नहीं। बच्चों को समझा बुझा सकते थे, मारने का हक उनको नहीं था। यह जघन्य पाप हत्याकांड करके वो पाप के भागीदार बन गए। इसके साथ ही बाबामगा भी पाप का भागीदार बने। इससे पहले वह लोग व उनके परिवार यहाँ से अपना मकान आदि छोड़कर जा सकते हैं। क्या कहा लोगों ने, सुनते हैं उनकी जुबानी। एक बात है, आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है। पूरा रिपेट पड़ रहा है, पूरी कॉलोनी में रिपेट पड़ रहा है, एड़ा गंदा काम हो रहा है, एड़ा मानो कोई कॉलोनी में चाहिए कौन नहीं। आप चले जाओ, नहीं पड़े जा, चले जाओ। बस बड़े दूसरा कोई नहीं, नहीं ऐसा आदमी ने रखना नहीं चाहिए कॉलोनी में। दूसरी नंबर वन फांसी होनी चाहिए। ये मासूम बच्चा वाड़ा आज मेरा माइतो के हाथ में नहीं दुख पावे, वे की बिगाड़ी बच्चा उंदा उंदा काम कर रहा है, उंदा गलत काम कर रहा है, बच्चों ने मारे बच्चों ने मारे, ऐसे ने फांसी देनी चाहिए आदमी ने। खाली सीधी बात है, माने एक ही है बात, बोलो नहीं मरण मान को ये बोलो नहीं। मैंने अपने एड़ा दर्द कौन में पड़ गए, बस सीधी बात, अर्जी पड़ा हो जाओ ये जवान दर्द कौन, कोई मान दर्द कौन, बोलो नहीं मैं तो मान रहा पड़ो से एड़ा आते है काम करे भाई, बदला हो गए एड़ा कोई बिल्कुल एड़ा गड़ड़ों को मासूम और मारे बिल्कुल मासूम का हाथ की तरह उठे। अरे इसको उतर बाड़ बाजू गए मैंने मकान ये साफ करो ना, बिल्कुल दया सर को आई वो कौन नहीं तो पूरे बटावरो बाड़ अपन समझ आता है और की दोष हो तो की दोष बिल्कुल अपन समझ आता है। हां वो ना खोड़ा सकता है, वो कहीं भी कर सकता है, मारने की बात आज मेरे माँ बाप माते आज मेरे परिवार माते की बीती उसे की बीती सब सही बीती आपा माँ अपन ने दुख लागो दे उसने यार बच्चे ने क्लास में पढ़ने उठे कौन दिख रोने उन सदान जी देवना है मना बहुत दूर दिन हाथ बुखे मैं पिताजी ने बात करी मैं के बता था खान साहब थे हमें फाल दो की मेरा बच्चा हूँ काम आदि की तो हूँ हमें आए मैं बच्चा हारियो मतलब बहुत दुख है ये चीज बच्चों मेरे भेड़ो हुए बच्चे दुख है मना बहुत ज्यादा सार कर दी सात सात साल रहा टाबरों ना पाले मोटा कर छह साल कुआ जाता सो आज श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। बड़ी दुखरी बात है, बहुत दुख हर तक लिए दुखरी बात है, तो ये चीज मौसुबा ना सतर्क रहना पड़े और आगे आने वाले टाइम में भी कोई कृतज्ञ नहीं होगा। और आग्रह है कि इनको घर खाली करवाएं और ऐसे आदमी हमारे इस मोहल्ले में ना रहे, क्योंकि ये दोबारा भी ऐसा कुकृत्य कर सकते हैं। तो सबकी यही है मांग कि इनको खाली करवाएं घर, और प्रशासन से अपना काम अच्छे से कर रही है पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, और वो कम से कम उनको फांसी से कम कोई सजा ना हो उनको, बस यही सबसे मांग है प्रशासन से, और कि इनको फांसी की सजा हो और इनको मोहल्ला खाली करवाएं और ये दोबारा यहाँ पे हमें ना दिखें, बस इतनी मांग है। बस दो दिन पूर्व इस जघन्य हत्याकांड की सर्वधर्म सभी जाति के लोग यहाँ निंदा करते हैं। यह हत्याकांड इन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। तीन दिन से लोगों ने खाना तक नहीं खाया, लोग बड़े दहशत में हैं कि कैसे उनकी महिलाएं सुरक्षित है, कैसे बहन बेटियां सुरक्षित है, कैसे बच्चे सुरक्षित है, कैसे इस माहौल में कोई घर से बाहर निकल सकता है। सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं, सुबह 6 बजे काम पे जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं, पूरे दिन ऐसा माहौल रहता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ लोगों का रहना रोजगार से पूरे समाज के लोग आपके के माध्यम से मांग कर ऐसी दरिंदों की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं होता, वर्ग नहीं, बड़ी से ज्यादा उनके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सबके सब लोग एकजुट है। अगर इनको न्याय उचित न्याय नहीं मिलता है तो आगामी दिनों के ये बस्ती के लोग सभी धर्म के लोग सब लोग सड़केंगे और जिसकी रहेगी, अन्यथा कड़ी से कड़ी सजा दे और ऐसे लोगों के घरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और भी जो कातिल रूप में अप्रत्यक्ष रूप से इस कॉलोनी में घूम रहे हैं वो लोग समय रहते चेत जाए और आगामी दिनों में और किसी बच्चों की हत्या नहीं हो और हमें ऐसी कोई श्रद्धांजलि सभा का आयोजन ना करना पड़े।